हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छा से तैयारी चल रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे और एक वैकेंसी निकल के आ रहा है। जो वैकेंसी है एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तरफ से वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई है तो अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो। जो वैकेंसी है दोस्तों, प्रोजेक्ट टेक्नीसियन, प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट का भी वैकेंसी आया है। सैलरी काफ़ी अच्छा रखा गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सारे जानकारी दे दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारे जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसको अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। तो दोस्तों, इस टाइप का वैकेंसी है। वैकेंसी थोड़ा कम है, फिर भी आपके पास अगर आईटीआई है या डिप्लोमा है या बीटेक है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। बीटेक के साथ एमएससी वालों भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिप्लोमा के साथ भी बीएससी वालों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो टेक्नीशियन है वो मैकेनिकल, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और आई फिटर, ये चार ट्रेड के लिए वैकेंसी आया है। टोटल कुल मिला के पाँच वैकेंसी है। पांच में से एक फिटर का है, एक इलेक्ट्रीशियन का है, दो वेल्डर का है, उसके साथ साथ मैकेनिकल का एक वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी है, ये मैकेनिकल से चार है, इलेक्ट्रिकल से छः है, आई एंड सी में एक है और फिजिक्स में दो है। तो कुल मिला के यहाँ पे 13 वैकेंसी रखा गया है। जिसके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो बीएससी इन फिजिक्स में है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर जो है उसके लिए बीटेक या एमएससी होना चाहिए। ये टोटल 12 पोस्ट है, मैकेनिकल में पाँच है, इलेक्ट्रिकल में चार है और फिजिक्स में तीन है। दोस्तों, इसको अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है वो टेम्पररी बेस है, परमानेंट नहीं है। आपकी जो सैलरी रखा गया है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आप लोगों के लिए सैलरी फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे जो बीटेक वालों के लिए 71,000 सैलरी मिलने वाला है, डिप्लोमा वालों के लिए 44,000 सैलरी मिलने वाला है और आईटीआई वालों के लिए 26,000 प्लस पीएम, ये सारे पीएम मतलब आपको कुछ इंसेंटिव उसमें मिलने वाला है। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी के बात करेंगे तो 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एज लिमिट के बात करेंगे तो 40 ईयर बीटेक वालों के लिए, 30 ईयर डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। तो दोस्तों, इसको अप्लाई ज़रूर करिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2019 तक इसको अप्लाई कर लेना चाहिए। उसका हार्ड कॉपी भी भेजना पड़ेगा, आपकी जो प्रिंट करके आपको सेंड करना पड़ेगा, एड्रेस भी दिया गया है। जो प्रिंट करके सेंड करना है वो 23 दिसंबर 2019 तक आपकी इस एड्रेस जो दिया गया है इस एड्रेस में आपको पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। तो यही था दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।